हेलो स्टारियन, हम लोग हेलो एल्केन डिस्कस कर रहे थे और हेलो एल्केन का हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था। अब आज बात करते हैं हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की। अच्छा देखिए, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस को देखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को देखते हैं, इसी से फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते क्या है, तो फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड या गैस, ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कहीं कहीं विस्कोसिटी, कहां तक बोले थे। तो हम लोग बात करते हैं इन्हीं सारी पैरामीटर्स के बारे में। तो बेसिकली ऑर्गेनिक में जब भी इनके बारे में बात करेंगे कि दिया गया मॉलिक्यूल हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, तो हम देखेंगे कि फोर्स कितना है। फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगी, जाहिर सी बात है फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। फोर्स थोड़ा कम हुआ तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा लिक्विड स्टेट की, और फोर्सेस बहुत वीक हैं, ठीक है, तो फिर जो है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और वो गैसियस स्टेट में होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि इन जनरल एल्केन एल्कीन एल्काइन में जो शुरुआती मेंबर थे, चूंकि केवल वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा था, वीक फोर्स था, इसलिए शुरुआती मेंबर हमेशा गैस होते थे। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां शुरुआती मेंबर, पहले कार्बन का मेंबर ही जो है आपका लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल हो जाता है वंडरवॉल से, लेकिन मिथाइल एमीन इसका एक्सेप्शन होगा। तो अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी की जब भी आप चर्चा करेंगे तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस को देखेंगे। अच्छा देखिए, दो मॉलिक्यूल के बीच में पॉलीमर के केस में कौन सा फोर्स होगा, तो पॉलीमर के केस में सीधे सीधे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी वजह से जो पॉलीमर होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये यूनिट्स लगातार कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इथीन 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 पॉलीथीन बनाए हुए हैं तो वो सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा फोर्स कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्डिंग, लेकिन ये पर्टिकुलर केस है, हाइड्रोजन डायरेक्टली पहले कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए उसमें, कोवेलेंट बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन्हीं के साथ मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, कुछ में ही हो गया। और कोई भी दो मॉलिक्यूल हो तो उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स काम करेगा। वंडरवॉल फोर्स के जनरली थ्री टाइप्स हम लोगों ने बना लिए थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन और वेव मैकेनिकल फोर्स या लंडन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स। तो कॉमन हम लोग कह देते थे वंडरवॉल फोर्स, तो तीसरा जो है वंडरवॉल फोर्स। अब देखिए ये वंडरवॉल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता था, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता था। अब हम चर्चा करते हैं आरएक्स की, एल्किल हैलाइड की। तो आरएक्स में देखिए, आप आर को सेम रखते हुए अगर एक्स बदल रहे हैं, हेलोजन बदल रहे हैं, तो भी वंडरवॉल चेंज हो जाएगा। जैसे CH3Cl CH3Cl इनके बीच का वंडरवॉल और CH3I CH3I इनके बीच का वंडरवॉल जब आप देखेंगे तो यहां Cl Cl और यहां I और I, आयोडीन का जो वेट है वो बढ़ गया, पार्टिकल बढ़ गए, तो अब यहां पर वंडरवॉल ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा केस आप देखें CH3 CH3 Cl और Cl को कांस्टेंट रखते हुए आपने कार्बन बढ़ा दिया C2H5Cl C2H5Cl, तो भी यहां वंडरवॉल इंक्रीज कर जाएगा। वंडरवॉल इंक्रीज करेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो Rx की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हमको ये स्पेसिफाइड करना होगा कि हम X सेम रख रहे हैं या R सेम रख रहे हैं। अब चर्चा करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि Rx की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, वंडरवॉल फोर्स पे। अब पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट याद रखना है आपको, एक कार्बन का CH3F CH3Cl CH3Br और दो कार्बन का C2H5F C2H5Cl, ये जो है गैसियस स्टेट में,
और एक कार्बन का आई, ये एक्सेप्शनल CH3I, ये आपका लिक्विड स्टेट में, और रेस्ट इसके बाद वाले सब के सब किस स्टेट में होंगे, लिक्विड। तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5F, C2H5Cl, इनकी स्टेट क्या है, गैसियस। CH3I और रेस्ट हायर मेंबर जो है वो क्या होंगे, लिक्विड स्टेट के। तो ये फिजिकल स्टेट में, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, CH3I एक कार्बन का हाइड्रो वाला सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि आपको क्लियर है, इस तरह से लिक्विड, ये एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल, इनको ओवरकम करके निकलना। तो अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली हमको करना क्या होता है, इनके बीच के फोर्सेस को ब्रेक करना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वंडरवाल फोर्स पे। वंडरवाल फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम यक्स को सेम रख रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आपको पता है जैसे जैसे आप कार्बन की ब्रांचिंग कर देते हैं, यहां फोर कार्बन ऐसे स्ट्रेट, तो इतनी दूर तक इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन निकलेगा, इतनी दूर तक अट्रैक्शन। और अगर इसी की आप ब्रांचिंग कर देंगे तो ये स्फेरिकल हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम सबसे कम, एरिया कम, थोड़ी ही दूर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन जाएंगी, तो इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपने हैलोजन सेम रखा हुआ है तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और अगर कार्बन का नंबर सेम रखते हुए ब्रांचिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अच्छा, अगर आप कार्बन सेम रख रहे हैं और हैलोजन बदल रहे हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट RI, देन RBR, देन RCl, देन RF। RI, RBR, RCl और RF, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी कमोवेश यही बातें लागू हो जाएंगी, ठीक है, कोई स्पेशल फीचर नहीं। अगली बात इसमें करनी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब देखिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड हाईली पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन फिर भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और इसका रीजन हम क्या देते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे। अच्छा देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा ये इसके दो पार्ट के रेशियो पर डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो वाटर की ओर ले जाता है, और कार्बन की चेन जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अब जैसे जैसे कार्बन की चेन आप बढ़ाओगे तो हाइड्रोफोबिक नेचर और बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी और कम होती जाती है। फिलहाल ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, रीजन एक लाइन में देना होगा तो क्या कह देंगे, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, वेरी गुड, रेशियो ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जो है अगली बात हम लोग करते हैं इसके डाइपोल मोमेंट की, म्यू की। तो म्यू अगर हम लोग देखें, डाइपोल अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो म्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इफेक्ट के, लेकिन हम अगर CH3F, CH3Cl इनमें कंपेयर करें तो थोड़ा सा ऑर्डर बदल जाता है। ऐसा इसलिए है कि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, तो म्यू जो होता है वो क्यू इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब फ्लोरीन के केस में जो डिस्टेंस है बहुत छोटा हो गया, तो क्यूमुलेटिव फैक्टर जब हम देखते हैं दोनों का, चार्ज और डिस्टेंस का, तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो अब इसमें ऑर्डर अगर CH3 एल्केल ग्रुप है तो हो जाता है CH3Cl, देन CH3F, देन CH3Br,
देन CH3I। अच्छा आखिरी पॉइंट, पूरे RX को देखा जाए तो इसमें RI मोस्ट अनस्टेबल, सबसे तेजी से टूट जाता है। कहीं भी RI है आपका तो ये तुरंत टूट जाता है, फोटो डिकम्पोज हो जाता है, II मिलके I2 बना देते हैं और ये पर्पल कलर का आता है। तो ये याद रखेंगे, इसका मतलब जब भी रिएक्शन में रिएक्टिविटी आप देखेंगे RX की, तो हमेशा RI की बहुत ज्यादा होगी और RF की बहुत कम होगी। ये इतनी बातें हम लोगों को हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना है। अगेन एक बार समराइज कर रहा हूं, सारी की सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे। कौन सा फोर्स काम करेगा? वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स कैसे कैसे चेंज करेगा? तो एल्किल पार्ट में चेंज होने से या हैलोजन के चेंज होने पे। एल्किल पार्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। और हेलो के टर्म में सबसे ज्यादा आई के लिए और सबसे कम एफ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।